हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्स करती है जब वो ठंडे तापमान के संपर्क में आती है। देखिए, हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर कहलाया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। लेकिन जब कभी भी हम ठंडे तापमान के संपर्क में आते हैं, उस समय हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो अनकम्फर्ट फील करती हैं और वो ब्रेन के पास सिग्नल ट्रांसपोर्ट करती हैं सो दैट कि हमारा ब्रेन उन सेल्स को उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। हमारी सेल ऐसा क्यों करती है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल के फंक्शन को देखना होगा। क्योंकि देखिए, हमारी सेल है उसमें एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो फैटी एसिड है जो कि इटसेल्फ एक फैट है। तो क्योंकि फैट है तो इस पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है बहुत ही आसानी से देखने को मिलता है। एक सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, जिसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। आमतौर पर लाखों मॉलिक्यूल्स एक सेकेंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सेल के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, सेल को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो भी इसी मेम्ब्रेन के जरिए सप्लाई की जाती है, हमारे जो अदर गैसेस हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट जो है इसी मेम्ब्रेन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है तो उसी के साथ जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज होना स्टार्ट होती है और यहाँ की जो फैटी एसिड्स वो अपने आप में सॉलिड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका जो फ्लूड नेचर है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट चल रहा था वो अफेक्टेड होता है। और अगर एक लिमिट से ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है तो उस कंडीशन में एक सेल का जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल रुक जाएगा और ऐसी कंडीशन में जो हमारी सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए जब कभी भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है तो हमारी सेल ब्रेन को एक सिग्नल ट्रांसपोर्ट करती है सो दैट के ब्रेन उस कंडीशन के लिए कुछ एक्शन ले पाए। हमारे ब्रेन का जो एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। एक्चुअली हाइपोथैलेमस एक थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब कभी भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से अप या डाउन जाता है तो उस कंडीशन में हमारा हाइपोथैलेमस एक्शन लेता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन से जो आउटर मोस्ट स्किन है उसकी तरफ हीट सप्लाई को कम किया जाता है सो दैट हमारी बॉडी की हीट कम से कम लॉस हो। ऐसी सिचुएशन में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है, हमारी बॉडी की प्रायोरिटी बन जाती है कि वो इंटरनल ऑर्गन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखे, क्योंकि वो जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। तो अगर टेम्परेचर इंटरनल ऑर्गन्स का डाउन जाता है तो वो ज़्यादा सीरियस डैमेज कर सकता है हमारी बॉडी में। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये प्रायोरिटी दी जाती है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन रह पाए और इसीलिए आउटर मोस्ट स्किन की तरफ जो है हीट सप्लाई को रोक दिया जाता है। इसी के साथ हमारा हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा देती है, जिससे कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट होना स्टार्ट होती है। अगर हमारी बॉडी का एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाता है तो उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है सो दैट कि हमारे अंदर कपकपी स्टार्ट हो, क्योंकि कपकपी स्टार्ट होने से हमारी बॉडी में मूवमेंट बढ़ेगा और मूवमेंट के साथ हमारी बॉडी में हीट भी जनरेट होगी। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की फैट होती है और इन दोनों तरह की फैट का यहाँ पर रोल आता है जो हमें सर्दी से प्रोटेक्ट करता है। हमारे अंदर वाइट फैट होती है और ब्राउन फैट होती है। यहाँ पर वाइट फैट का काम होता है हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड कराना, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है बाहर के टेम्परेचर से, बट वाइट फैट इटसेल्फ कोई हीट जनरेट नहीं करती है। दूसरी तरफ अगर हम ब्राउन फैट की बात करें तो ब्राउन फैट यहाँ पर हीट जनरेट करती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और इन माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही यहाँ पर हीट जनरेट हो पाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पावर हाउस कहलाया जाता है। जिस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट ज़्यादा होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा मेटाबॉलिक वर्क चलता है, वहीं पर जो है ज़्यादातर बायोलॉजिकल रिएक्शन चलते हैं। तो क्योंकि ब्राउन फैट के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं तो वो इनकी सहायता से हीट डेवलप करती हैं। यहाँ पर ब्राउन फैट
बर्न होती है और हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से जो हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, इसको सबसे पहले सप्लाई किया जाता है हमारे इंटर ऑर्गन्स के पास, और जब हमारे बॉडी के अंदर सफिशियंट अमाउंट में हीट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो फिर उस हीट को आउटर स्किन को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारी बॉडी इसके अलावा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए और दूसरे उपाय के बारे में भी सोचती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ब्रेन ऐसी कंडीशन में हमें एक्टिवेट करता है और हमें स्टिमुलेट करता है कि हम उस टेम्परेचर से, उस इन्वायरमेंट से बाहर चले जाएं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ब्रेन हमको बेड पे जाने के लिए एक्टिवेट कर सकता है, या फिर हमें जो है एक्टिवेट करेगा कि हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर जो है ऑलरेडी हीट हो, मीन्स हम हीटर के आगे बैठ जाएं या हम किसी आग के आगे बैठ जाएं, दैट कि हमारी बॉडी वार्म हो सके। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर उस कंडीशन में हमारा ब्रेन हमें एक्टिवेट करेगा कि हम कुछ मूवमेंट जरूर करें, क्योंकि मूवमेंट करने से भी हमारे अंदर हीट डेवलप होगी। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है वर्क करती है जब कभी भी वो ठंडे तापमान के संपर्क में आती है। हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से डाउन जाए, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे वो अच्छे से वर्क कर पाती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।